हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं आपको आपके लिए मतलब आपकी हेल्प के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। जो आपका जो इंटरव्यू होता है और जब जाते हैं प्रिपेयर नहीं करते क्या क्या, मतलब मैं ये वीडियो बनाया हूँ इस पर्पस से कि जिसका ज़्यादा करके वीज़ा रिजेक्ट और रिफ्यूज़ होता है उसके कारण क्या हैं, क्या कारण हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के। तो आज मैं यही बताऊंगा आपको कि आपके वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होते हैं, उसके कारण। और एक और बात, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया, मतलब दोस्त भाइयों ने, कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आती, मैं बाहर बनाता था, मेरा मूड में आ गया, मैं वीडियो बना लिया, डाल दिया। मैं स्पेशली इसके लिए नहीं हूँ ना, मतलब मेरा भी दूसरा काम रहता है। एक्चुअली मैं शेफ़ हूँ, तो रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता इस चीज़ का। तो इसलिए मैं कहीं कभी घूमने गया तो उधर ही बना लिया मूड बना, तो मैं स्पेशली मैं यूट्यूब चैनल चलाता नहीं हूँ और मैं स्पेशल यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरा काम है कि लोगों को गाइड देना, और बहुत से लोग यूट्यूबर हैं तो वो स्पेशल यूट्यूबिंग मतलब अपना चैनल बना के रखते हैं इसी के लिए कि मतलब वो हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, ये वो। अपन से आता नहीं, अपन है देसी, जो एक तरीके से बोलते हैं ना, हम हैं देसी और हमको चिकनी चुपड़ी बातें करने आती नहीं, हम सिंपल ही हैं। और ये हम लोगों की हेल्प के लिए बनाते हैं वीडियो, ना कि हम अपने फ़ायदे के लिए। जो लोग, बहुत से लोग आते हैं, फंस जाते हैं या कुछ पता नहीं है उनको, तो इसीलिए मैं हिंदी में बनाता हूँ। इंग्लिश तो आती है मुझे भी, फिर भी मैं हिंदी में बनाता हूँ क्योंकि लोगों को समझ में आए। क्योंकि अपने इंडिया के लोग जो हैं, बहुत से लोग फैक्ट्री वर्क में आते हैं, पैकेजिंग में आते हैं, फूड पैकेजिंग में, और बहुत से क्लीनिंग में आते हैं, ऐसा करके बहुत जगह आते हैं। तो इसलिए मेरा यही पर्पस है कि जो जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बनाता हूँ, वो हाई स्टैंडर्ड वालों के लिए नहीं बनाता। इसलिए मुझे माफ़ करना भाइयों। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो कि किस कारण आपका वीज़ा रिजेक्ट और रिफ्यूज़ हो जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, पहला रीज़न तो यही है रिजेक्शन का, पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड और पुलिस केस। इसका मतलब मैं पहला समझा देता हूँ। ये टोटल होते हैं, मतलब मैं बनाया हूँ ऐसे अपने उससे 10 होते हैं टोटल, जो मैं मैन एक पॉइंट बना के रखा हूँ 10। तो उनमें से एक क्रिमिनल है, फेक टिकट है, और रहने का जो पर्पस ऑफ स्टे, डैमेजेस, पासपोर्ट वैलिड, और ट्रैवल इंश्योरेंस का फोटोग्राफ में जो कमी हो जाती है, और कंपनी का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा, मेडिकल रिपोर्ट और एम्बेसी इंटरव्यू में। तो ये 10 होते हैं, 10 के पॉइंट मैं क्लियरली समझाऊंगा। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड का क्या, पुलिस केस, जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं संगई वीज़ा के लिए, लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए, तो आपको आजकल तो आपको पता है हर चीज़ जो है ऑनलाइन हो चुकी है, कि आपका नेशनल आईडी जो भी है, तो उसमें आपको भी पता नहीं रहेगा कि आपका वो हो गया है, लेकिन आजकल जो है सारा ऑनलाइन हो गया है, तो आपका जो भी है ना, पासपोर्ट नंबर डालते ही आपका पूरा उधर ब्यौरा निकल आएगा कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया। तो जिस बंदे ने अगर से क्रिमिनल किया है, क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़राब है, वैसे तो PCC इसमें लगती नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हो जाता है। अब रूल
आने वाला है पीसीसी के लिए, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट विद अपोस्टल, तो पता नहीं कब से स्टार्ट हो जाए। अब गवर्नमेंट का रूल है, जब कर दे उसके ऊपर है। तो इसी यही मैं बोलता हूँ, जब अप्लाई करो तो जिसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पहले कभी किया है, तो उसको जैसे भी तैसे करके क्लोज करा लें और उसको क्लियर कर दें। और सेकंड हुआ फेक टिकट, जैसे हम डमी टिकट जिसको बोलते हैं, हम जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उसके लिए एक टिकट आती है, डमी टिकट। वो जो एजेंट को 500 रुपये दोगे तो वो बना के देंगे आपको। वो टिकट में जो है, मतलब अप एंड डाउन का होना चाहिए, मतलब दो टिकट होती हैं। तो अब जब जब आप टिकट बनाते हैं, मतलब वो बना के देगा, आपकी बुकिंग कर देगा, जब आप इंटरव्यू, जिस डेट को आपका इंटरव्यू हो गया या वो मिल गया, क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट मिल गया, तो उस तारीख से आपको 1 महीने की ऐसी टिकट करानी है, 1 महीने की रिटर्न अप एंड डाउन। तो ये इस डेट का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो टिकट है 2 वीक तक शो करेगी। मतलब 1 वीक में तो आपका पासपोर्ट वगैरह पहुंच जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक तक शो करेगी कि हाँ आपकी बुकिंग, मतलब इस फ्लाइट से बुकिंग है। जब वो चेक करेंगे तो आपका उसमें मिल जाएगा कि हाँ आपने बुकिंग की है। उनको भी पता है ये डमी टिकट है, लेकिन एक प्रोसीजर है। तो कोई कोई लोग क्या करते हैं, टिकट पैसे बचाने के चक्कर में वो दूसरों की टिकट लेके उसमें नाम चेंज करके और डेट वो कर देंगे। अब वो लोग उधर बैठे हैं, चूतिया तो है नहीं। तो इसमें भी ध्यान रखें। और पर्पस ऑफ स्टे, मतलब आप पर्पस ऑफ स्टे पोलैंड जब आप सबमिट करने जाते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो आपको उधर से एक एग्रीमेंट, रूम एग्रीमेंट लेटर मिलता है, या कोई कोई देता नहीं है, तो कोई कोई अपनी तरफ से बना के और वैसे डाल के और सबमिट कर देते हैं। तो जब वो चेक करते हैं या कंपनी के पास कॉल जाता है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो वो बोल देते हैं हमने ये दिए हैं। अगर से उधर एक्स्ट्रा मिल गया तो आपकी प्रॉब्लम है ना, इसीलिए ऐसा काम ना करें। और चौथा होगा डैमेज पासपोर्ट। अगर से आपका पासपोर्ट एम्बेसी में गया वीज़ा के लिए और उसमें कभी गलती से पानी गिर गया या इंक हो गई और कुछ भी ऐसा डैमेज हुआ, फट गया, बच्चे ने फाड़ दिया, कुछ आग से हो गया, तो ये वाला डॉक्यूमेंट, मतलब पासपोर्ट जो है ना, हमेशा करके चेंज करा लो, नया बना लो। क्योंकि इसमें हमारी एक वो, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है कि हम कितना रिस्पॉन्सिबल हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए। तो वो भी देखेंगे ना कि आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ले जा रहे हो जो अनयूज है, और मतलब वो समझेगा कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप अपना पासपोर्ट नहीं संभाल पा रहे है, तो कंपनी में काम करके या कुछ भी कैसे संभालोगे, उनका वो रहता है। और पांचवा है पासपोर्ट वैलिड। किसी का भी पासपोर्ट एटलीस्ट कोई भी जब सबमिट करता है तो पासपोर्ट चेक कर ले, हमेशा 2 पेज ब्लैंक छोड़ें, मतलब रहना चाहिए। वैसा तो होता नहीं है कि ब्लैंक तो रहते हैं, अब कोई भी काम करने के लिए जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो 10 साल में सारा भर ही जाए। आदमी 1 साल में अप डाउन करता है तो इतने में कितना जाएगा, तो 10 साल का रहता है तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है। और हमेशा रखें कि मतलब 2 पेज ब्लैंक रहें और पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 1 साल रहे। पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है 1 साल होनी चाहिए। अगर से 1 साल से कम है तो प्लीज़, मैं तो यही बोलूँगा कि आप न्यू री इशू करा लो पासपोर्ट को, और दूसरा करके, क्योंकि वो 15, मतलब 1 महीने के अंदर आ ही जाता है।
तो न्यू करके फिर बाद में आप अप्लाई करो। छठवा है फेक ट्रैवल इंश्योरेंस। कभी कभी लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में जैसे डमी टिकट करते हैं, अब इंटरनेट से या किसी का मिल गया या दोस्त भाई का, ऐसा करके वो लोग क्या करते हैं, टिकट में नाम चेंज कर देंगे और सब चीज़ एड्रेस जो भी है वो चेंज करके फिर बाद में वो सबमिट करते हैं। जब क्योंकि उसमें जो है ना एक सीरियल नंबर रहता है, वो इंश्योरेंस जो है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, जैसे कुछ दुर्घटना हो गई या आपका पासपोर्ट या कुछ ऐसा हो गया, तो वो जो इंश्योरेंस है उसके लिए होता है कि कुछ हो गया तो वो इंश्योरेंस भरपाई करेगी आपका। अगर से वो आपके लिए है, आपकी फैमिली के लिए ही अच्छा है, जैसे पासपोर्ट गुम गया तो वो पासपोर्ट का 300-400 यूरो आपको पे करेगा घूमने के बाद, तो ये इस पर्पस में। और आपको कुछ हो गया या प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें भी वो सपोर्ट करता है। और ये 330,000 यूरो का होता है, ये वही आता है 5 से 6 हज़ार रुपये का, 4 से 5 हज़ार। तो जब मैं कराया था तो मैंने तो एयरलाइंस का कराया था, तो एयरलाइंस का भी अच्छा रहता है। और सातवां है फोटोग्राफर। फोटोग्राफर में क्या है कि बहुत से लोग बनाते हैं, कोई से लोग बोलते हैं हमारे पास पुरानी फ़ोटो है, तो पुरानी फ़ोटो कम से कम 3 महीने की, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, और उसका साइज़ जो है 45 mm वाइट एंड 35 mm प्रिंटिंग रेगुलर 600 DP होना चाहिए, और मस्ट बी नॉर्मल और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे का, ब्लैक नहीं, ब्लैक एंड वाइट मतलब वाइट बैकग्राउंड हो अपना जो नॉर्मल है वही। तो बहुत से लोग क्या कर लेते हैं कि बना लेते हैं पासपोर्ट साइज कुछ भी ऐसा, और उसमें जो है ना फेस जो है बराबर से इतना दिखना चाहिए, बराबर से फेस 30। तो यही करके, और बहुत यही करके ऐसा मैं बोल दिया, 45 mm टू 35 mm वाइट बैकग्राउंड अपना फोटो का होना चाहिए। तो इसके कारण भी हो जाता है कि क्लियर से दिख नहीं पाता फेस, क्योंकि उधर जो है फेस क्लियर दिखना चाहिए। और आठवां में बताता हूँ कंपनी का प्रोफाइल। बहुत सी कंपनियाँ क्या होती हैं, इशू तो कर देती हैं आपका वर्क परमिट, पैसे, क्योंकि उनको भी पैसे मिलते हैं, और बहुत सी कंपनियाँ जो हैं जो अपने काम के लिए ही बुलाती हैं। अब बहुत से एजेंट जो हैं वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, मुझे बहुत से दोस्त भाई ने भेजा है वर्क परमिट, मैंने चेक किया किसी का कोई आइडेंटिफाई नंबर नहीं है, तो किसी का कुछ कुछ नहीं है, किसी का स्टैम्प नहीं है, और उसको बोल दिया कि हाँ ये वर्क परमिट है। तो ऐसा नहीं है, वर्क परमिट में यही है इसमें, मतलब क्लियरली कि उसमें प्रॉपर आपकी कंपनी का नाम और आइडेंटिफाई नंबर, वेरिफिकेशन नंबर ऑन टॉप रहता है, और स्टैम्प लगे रहते हैं बिहाइंड में दो, और साइन रहता है प्रॉपर। तो ये ख्याल रखें, और जो भी बंदा के पास अभी वर्क परमिट है तो हमको वो कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन बता सकता हूँ कि क्या कैसा ओरिजिनल है या कुछ है। तो यही हमेशा ध्यान रखें। और कंपनी का जो है प्रोफाइल ठीक ना होने के कारण, मतलब कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं रहती उधर, आप ये मत समझो कि इंडिया में करप्शन है, यूरोप में भी करप्शन होता है, ये मत समझो कि हमारे इंडिया बस में है, यूरोप में भी कुछ कंट्री हैं जो वैसे चलती हैं। तो मैं ज़्यादा तो उसके बारे में नहीं बोल सकता, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ का खाके और हमारे ही बुराई कर रहे, तो वही। तो हर जगह कहीं ना सब चीज़ होता है काले में, तो
वहाँ भी लोग कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कर पाते, ब्लैक में चलाते हैं और यही करते हैं एजेंट लोग। वहाँ भी एजेंट होते हैं तो वो भी मिलजुल के बोलते हैं 50-50% में हम देते हैं इशू करा के। अब वो कंपनी बोलते हैं जैसे करवाया वो कंपनी का इशू है, फिर दूसरा इशू हो गया, तीसरा, मतलब चोरी कर करके ऐसा, फिर आपको भेज देंगे, कहोगे हाँ ओरिजिनल है। फिर बाद में जब जाओगे और सबमिट कर दोगे डॉक्यूमेंट, ये कॉल जो है मतलब एम्बेसी कॉल करेगी उस कंपनी को कि आपने ये बंदा हायर किया है, तो वो सीधा बोल देगा अगर से हायर किया तो ठीक है, हाँ हमने किया है, और नहीं किया तो बोल देंगे ये तो हमने किया नहीं, हमने कभी आज तक किया नहीं, ये किया था पहले लेकिन हमारे पास अभी बंदा है। तो ऐसा करके लोग बहुत पैसे लूट रहे हैं एजेंट लोग जो गरीबों से हैं। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप केयरफुल जाएं और चेक कर लें जो एजेंसी है वो भी अपने इंडिया की गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है कि नहीं, उनका लाइसेंस नंबर रहता है, आप जाके पता कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में या पुलिस स्टेशन में ऐसा। तो इन चीज़ों का पता, तो इस चीज़ से बचें। और नौवां है मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट में क्या होता है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है तो वो छुपाते हैं, और छुपाने के कारण फिर बाद में जैसे तैसे उनको मिल ही जाता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि अचानक से हम चले गए, बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई या उधर जाके प्रॉब्लम हुई, तो फिर बाद में डायरेक्टली क्योंकि उधर जो है ना प्राइवेट में नहीं, सारा गवर्नमेंट वो करती है, तो उधर जब आप हॉस्पिटल में जाओगे एडमिट होगे तो आपका चेकअप होगा बराबर से, और उसमें सब चीज़ पता चल जाएगा ना जो भी प्रॉब्लम है, तो फिर वो आपकी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को देगी। तो गवर्नमेंट अगर से बड़ा इशू है तो गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर एम्बेसी वो बोलेगी कि हाँ ये बंदे ने तो कुछ रिपोर्ट ही नहीं दिया हमको इसने, तो उसकी वजह से फिर आपको उधर से डिपोर्ट कर देंगे। और कभी कभी कोई मेडिकल भी होता है इशू तो वो नाम वो करके ये वो करके चेंज करके जब कॉल करेंगे हॉस्पिटल में कि हाँ ये बंदा का क्या क्या है इशू, तो आपके नाम से बोलेंगे ये नाम से तो है ही नहीं है, तो उसमें भी पकड़े गए। एम्बेसी भी वो नहीं है यार, एम्बेसी को जो एम्बेसडर हैं वो भी ऐसे वीज़ा नहीं देते, सब चीज़ क्लियर करने के बाद फिर बाद में वीज़ा इशू करते हैं। तो ये आपका मेडिकल का रिपोर्ट जो रियलिटी है वो सबमिट करो, अगर से उनको लगेगा कि हाँ ये बराबर है बंदा काम कर पाएगा तो दिक्कत नहीं है वो दे देंगे, अगर नहीं लगेगा तो वो ऑब्वियसली वो मना कर देंगे। फिर दसवा है एम्बेसी इंटरव्यू में जब आपका इंटरव्यू होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उधर इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो हिंदी भी उधर चलती है और इंग्लिश भी चलती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो वर्क परमिट है, जो डॉक्यूमेंट है, देम सपोज आप फैक्ट्री वर्क के लिए जा रहे हो, तो जो वर्क परमिट है ना उसमें जो जो डिटेल रहेगी उसी के बारे में आपको पूछते हैं, आप उसको याद कर लें, मैं बता देता हूँ क्या क्या। तो जैसे आपका डेट ऑफ वर्क पूछ सकते हैं, आपका नाम और इंटरव्यू और आपके पढ़ाई के बारे में, आपके पढ़ाई के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने कितना किया है, और आपने जो जो डॉक्यूमेंट रखे हैं जो जो भी डाले हैं ये, और उसमें ये रहता है कि कंपनी का नाम पूछेंगे और ज़्यादा करके, और कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हो ये हिस्ट्री कब से कब, और ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आप जाओगे तो वापस आओगे या नहीं, तो आपको यही यही बोलना है कि हाँ मुझे वापस आना है क्योंकि मेरी फैमिली इधर है, तो यही है। और इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक मुझे भी हुआ था, होता है वो नॉर्मली, बोलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो लोग बोलते हैं हम हो जाएगा, फिर जब पेपर देखते हैं तो आदमी भूल जाता है, तो वही है अपने आप को
प्रिपेयर करके जाएं बराबर से, और आप अपने जितना भी वर्क परमिट में है, आपके डॉक्यूमेंट जो जो लगे हैं, वो उसको पूरा प्रिपेयर कर लें, मतलब अच्छा से याद कर लें। आपका कंपनी कौन सी जगह है, आप यहाँ से कहाँ जाओगे, दिल्ली से मुंबई से दुबई, दुबई टू पोलैंड, वार्सोवा, क्राको, पोजनान, ऐसी सिटी। और कभी कभी ये पूछते हैं कि आपको लेने के लिए कौन आएगा, तो कंपनी, कभी कभी कंपनी आती है, कभी कभी कंपनी बोल देती है कि आप वो एड्रेस दे देते हैं और टैक्सी करके आ जाओ, हम पे कर देंगे पैसा। तो उधर ऐसा चलता है कि आप टैक्सी वो कर देते हैं, फिर बाद में कंपनी पैसा आपके पे कर सकती हो टैक्सी ड्राइवर को। उधर उतना एक्सपेंसेस भी नहीं है, अपने इंडिया की तरह उतना ज़्यादा है एक्सपेंसेस नहीं है। और जो सैलरी है, सैलरी के बारे में पूछेंगे जो उसमें, कि कितना आपको मिलेगा, आपको कितना मिलेगा, और ये विद टैक्स है या विदाउट टैक्स। तो हमेशा जो उसमें लिखा रहता है, ग्रोस सैलरी जो रहती है ना, विद टैक्स होती है, मतलब सॉरी विदाउट टैक्स, मतलब उस टैक्स कटने के बाद वो आपका कम हो जाएगा, तो वो विदाउट टैक्स होती है, मतलब ग्रोस सैलरी होती है विदाउट टैक्स। तो इस चीज़ों में आप प्लीज ध्यान रखें, और आप अपना इंटरव्यू इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, डॉक्यूमेंट जो जो भी मैंने बोला ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रखते, और ये चीज़ें, यही चीज़ें जो आपको रिजेक्शन में पहुंचाती हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, और मैं हमेशा यही दुआ करूँगा भगवान से कि सब लोगों का अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस रहे, और सबको वीज़ा मिले, और अपनी फैमिली केयर करने का मौका मिले। और जिस भी भाई को कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमें मतलब कमेंट करें, क्वेश्चन करें, हम जितना भी, जब भी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करेगा। आप देख सकते हैं उसको कि क्या है उसका। तो वैसे मैं काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लोगों की हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूँ, इसीलिए मैंने बनाया है भाई, क्योंकि मैं भी इतना वो नहीं हूँ, और भगवान की कृपा से ये है कि मैं अपनी मेहनत से कर करके और ऊपर वाले की दुआ से यहाँ तक पहुँचा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही बढ़ें आगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस को ज़रूरत है इस वीडियो की, तो प्लीज़ उनको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।